हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ DIY केचप बॉटल लैंप। मैं आपको बताऊंगी इसमें कि जो हमारे घर में केचप की बॉटल्स वेस्ट पड़ी रहती हैं, तो उसको हम DIY करके एक लैंप कैसे बना सकते हैं घर में, और उसका DIY हम कैसे करें। तो फर्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि हम बॉटल को कैसे कट करें, और उसके बाद सेकंड स्टेप में मैं बताऊंगी आपको कि हमने उसमें लाइटनिंग वगैरह फिट कैसे करी, और थर्ड स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उसे डेकोरेट कैसे किया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक केचप की बॉटल, लाइटर, सीजर, अल्कोहल और सम रोप। सो यहाँ पे हम अल्कोहल में डिप कर लेंगे जो जूट की रोप हमने ली है। अगर आपके पास अल्कोहल अवेलेबल नहीं है तो आप स्पिरिट भी यूज कर सकते हैं। और गाइस, हमने जो भी हमारे पास सामान घर पे था हमने उसी से ही करा है, कुछ भी हम बाहर से नहीं लेके आए हैं। उसके बाद हम इसको लाइटर के हेल्प से हम इसको जलाएंगे और ऐसे गोल गोल घुमाते रहेंगे। सो यहाँ पे हम इसे राउंड राउंड करते रहेंगे ऐसे ही। और इसके बाद हमने जो पानी की बाल्टी ली थी वो हमने ठंडा पानी लेना है, और उसके बाद हम उसमें डिप करेंगे, तो इस तरह से ये हमारी बॉटल ऑटोमेटिकली कट जाएगी। स्टेप के लिए जो हमें सामान चाहिए वो चाहिए हमें एक बल्ब, एक तार और कटर, जिससे कि हम ये कट कर सकें, और एक बल्ब होल्डर। और यहाँ पे हमने बॉटल की कैप में होल कर दिया है। तो जो अभी हमने बॉटल की कैप में जो हमने होल किया था, इसमें हम ये वायर डाल देंगे, और वायर डालने के बाद हम यहाँ पे एक नोट लगा देंगे जिससे कि ऐसे खुले नहीं। ये देख रहे हैं आप, ये आप देख रहे हैं, ये इससे ऐसे अटक जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद जो ये हम देख रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स, टू पॉइंट्स होते हैं, ये हम इसमें ऐसे बॉटल में ऐसे फिट करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसे फिट किया था। ये मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने किया है फिट। तो ये जो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं ये हम इसमें ऐसे फिट कर देंगे, और उसके बाद ये जो इसमें दो स्क्रू होते हैं ये हम इसको ऐसे करके टाइट कर लेंगे जिससे कि ये खुले नहीं। हमने बल्ब लगा के सेट करके देख लिया है, और उसके बाद आप जला करके भी देख सकते हैं। और इसके बाद हम आएंगे डेकोरेट सेक्शन पे। तो थर्ड स्टेप में हम करेंगे बॉटल को डेकोरेट। तो उसके लिए हमें चाहिए कलर्स, एक्रिलिक कलर्स और फेविकोल और ब्रश। यहाँ पे मैं डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ जूट रोप का। ये मेरे पास घर पर ऐसे ही पड़ी थी। आप भी अपने पास कोई भी सामान यूज़ कर सकते हैं घर पे, जो भी हो। और क्योंकि क्वारंटाइन चल रहा है तो कुछ बाहर से तो हम ला नहीं सकते सामान, तो जो भी घर पर पड़ा है उसी से कुछ ना कुछ हम DIY करें। तो हम यहाँ पे रोप को हम फेविकोल के हेल्प से मैं इसको लगा रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे जो बॉटल की कैप थी उसमें भी मैंने जूट रोप से उसको कवर कर दिया है। और उसके बाद आप जो भी आपको जैसे भी उसको पेंट वेंट करना है आप उस तरह से करें। मैंने यहाँ पे जो येलो कलर होता है मैंने उससे ट्राई किया है करने का, कि पता नहीं कैसा लगने वाला है, आई डोंट नो। बट या मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि ये अच्छा सुंदर सा एक लैंप बन जाए। क्योंकि घर में कोई सामान भी नहीं था तो जो भी सामान था मैंने उसी से ट्राई किया, और फिर बच्चे सो रहे थे तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा DIY करके देखती हूँ। तो मेरे पास वक्त भी कम था और कुछ करने की भी सोच रही थी मैं, फिर उसके बाद बच्चे मेरे जाग भी गए थे बल्कि। सो यहाँ पे मैंने दो कोट यूज़ करे हैं येलो कलर के, और उसके बाद मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था डिज़ाइन में क्या करूँ, और बच्चे भी उठ चुके थे तो मैंने फटाफट वाला ये डॉट वाला जो होता है मैंने ये काम किया, जिससे कि जल्दी काम भी हो जाए और मैं इसको रख सकूँ। क्योंकि कांच का काम होता है तो बच्चों का भी डर रहता है कि बच्चे छुएंगे कहीं कट वट ना लग जाए, इसलिए तो मैंने फटाफट वाला काम किया और डॉट वगैरह लगाने शुरू कर दिए।
मैंने डॉट डॉट्स में मल्टी कलर का यूज़ किया है, रेड, पिंक, ऑरेंज, ग्रीन और वाइट कलर भी यूज़ किया है मैंने। और मैंने फटाफट से ईयरबड की हेल्प से मैंने ये डॉट्स डॉट्स करके कंप्लीट कर लिया अपना ये लुक। और इसके बाद मैंने जूट रोप से थोड़ा सा इसको नीचे से भी कवर कर लिया था, जिससे कि ये फाइनल लुक मैंने इतना ही दिया क्योंकि मेरे बच्चे भी जाग चुके थे तो मैं ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकती थी इसमें। सो आपके पास अगर टाइम है और आपको और ज़्यादा अच्छी क्रिएटिविटी आती है तो आप इसमें और कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना। सो यहाँ पे मैंने नीचे से इसको जूट रोप से कवर कर दिया है थोड़ा सा लुक चेंज करने के लिए। और अब मैं इसको फेविकोल की हेल्प से इसको चिपका रही हूँ और ये बहुत ईजीली चिपक भी जाती है। और जब आप इसको चिपकाने लगेंगे तो बड़े ध्यान से चिपकाना है क्योंकि कहीं कांच लग ना जाए, तो इसलिए बहुत आराम से ध्यान से करना है इसमें काम। सो ये लैंप बनके रेडी हो चुका है और मैंने आपको ये जला के दिखाया है। ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है ये जलने के बाद, और आप इसको कहीं पे भी हैंग कर दें और ये बहुत ही प्यारा लगता है इसको हैंग करने के बाद। और गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस DIY में जो मेरी हेल्प करी है वो मेरे हस्बैंड ने करी है, एंड थैंक्स टू हिम कि उन्होंने मेरी हेल्प करी क्योंकि मुझे इतना नहीं आता, क्योंकि बॉटल कट करने वगैरह में थोड़ा सा रिस्क भी होता है कि हाथ वगैरह ना कट जाए, और लाइटनिंग वगैरह मुझे फिट करनी नहीं आती है, तो इसमें मेरी सारी हेल्प मेरे हस्बैंड ने करी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और प्लीज़ मेरे लिए नहीं तो मेरे हस्बैंड के लिए इसे एक इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे देना क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है इसमें, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, लव यू।